भूगोल जो हमें टर्म पढ़ना था, कल भी हमने बताया था, एटमॉस्फेयर पढ़ना था। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और वायुमंडल अगर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके गहराई में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से वायुमंडल को छूते हुए हम लोग निकल जाएंगे। तो वायुमंडल आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का परत है या वायु का घेरा है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में क्या है, गैस, क्या क्या, अच्छा एक प्रश्न पूछेंगे ज्ञानचंद जी आपसे कि वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं, जो चौथा हमारे घेरा हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी गैसें हैं और अच्छा उसी में सब कुछ है। चलिए प्रिया जी आप बताएं। अच्छा अंपुल जी सही बता रहे हैं। अच्छा तो आप बताइएगा धूलकण क्या है। हाँ देखिए, जो वायुमंडल का वास्तव में सब हम सब यही जानते हैं कि जो वायुमंडल है वो केवल गैसों का ही गोला, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें गैसों का मिश्रण, डस्ट जिसे आप कहते हैं धूल कण, जलवाष्प का वाटर वेपर्स, मतलब धूल कण, जलवाष्प और गैस, इन सभी से मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण या रचना हुई। एक प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया, यहाँ तक कि बीटीसी वालों को भी नहीं छोड़े प्रश्न पूछ लिए हैं कि वायुमंडल कैसे रुका हुआ है। ज्ञानचंद वायुमंडल कैसे रुका हुआ है, मतलब कि ऐसा क्या रीजन है वायुमंडल रुका हुआ है। पृथ्वी पे के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी की वजह से क्या वायुमंडल रुका हुआ है। अगर कहने का मतलब है कि वायुमंडल को जो बांध के रखने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होती तो क्या होता, तो वायुमंडल चला जाता, दूर हो जाता। और वायुमंडल को पृथ्वी के चारों तरफ घेर के रखने का जो काम करती है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति करती है। ठीक, एक प्रश्न आपका यहां से बन सकता है। आगे चलते हैं, आप कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर हम उसके संगठन की बात करते हैं, सबसे पहले आता है धूल कण, जलवाष्प और लास्ट में पढ़ते हैं गैस। तो धूल कण शब्द आ गया, तो धूल कण बताइए। हाँ प्रिया जी आप बताइए, आपने बताया था बढ़िया। हाँ बताइए धूल कण क्या है, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे धूल कण को, ये धूल कण का रोल क्या है, क्या वायुमंडल में धूल कण रहना जरूरी है, अगर नहीं रहेंगी तो क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न है, क्या रहना जरूरी है, अगर नहीं रहेंगी तो क्या होगा। अच्छा अगर धूल कण नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, अगर हम कैसे, अच्छा अगर फ्रिज में पानी रखते हैं तो कैसे होता है, क्या वहां भी धूल कण होता है, तो फिर कैसे होता है बताएं। देखिए वायुमंडल में अगर हवाएं चलेंगी तो हवा में हमेशा धूल कण की मात्रा रहती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक, अगर इसका आपको अपने आप से अध्ययन करना है तो कहीं किताब एक दो महीने पहले का रख दीजिए, फिर अचानक जब उस पर हाथ रगड़िए जीप पर लगा दीजिए, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है। अगर इसमें धूल कण आ जाता है, पूरा हाथ पूरा धूल कण हो जाता है, चार दिन क्लासेस ना चले, पांचवें दिन आइए पूरा धूल कण की पट्टी जमी होती है, यही है धूल कण। कि वायुमंडल में सदैव धूल कण विद्यमान रहती है और वो जब हवा की गति मंद पड़ती है तो क्या होता है, बैठ जाते हैं, तब हमें प्रतीत होते हैं। जैसे देखिए पंखे देख रहे हैं, नहीं चल रहे कुछ दिन से तो उनको चौथा से घेर लेते हैं। तो वायुमंडल में धूल कण भी होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, देखिए जब हवाएं चलती हैं, जब उसके संपर्क होता है तो उसमें छोटे बड़े कण जो होते हैं कहां वायुमंडल में हवा के साथ मिले हुए चलते हैं। फिर उनका रोल क्या है, इनका हम रोल क्या है, जैसे इन्होंने बताया, सही बताया कि वर्षा में ये सहायक होते हैं। सहायक कैसे होते हैं, कि जब जलवाष्प संघनित होता है तो उसमें संघनन होने में धूल कण का सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द जल्दी से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए फ्रिज में, हम रेलवे का बार बार पूछा क्वेश्चन है सब, कि यदि फ्रिज में हम एक ठंडा पानी बर्फ बनने के लिए रखें, गर्म पानी रखें, ध्यान दीजिएगा दो बात को, तो आप बताइएगा सबसे पहले कौन सा पानी बर्फ बनेगा। हाँ सही जवाब, आप बताएं, बताए ठंडा पानी पहले ठंडा होगा। अच्छा क्वेश्चन का लॉजिक ले जाता है। हाँ तंपुल जी आप बताइए, साइंस के स्टूडेंट हैं आप, सब बताएं, दो तीन लोग जो हैं साइंस वाले, ऐसे क्या सही बात है ये, क्या बर्फ का, बर्फ बनने में गर्म पानी जल्दी समय लेगा ठंडा पानी की अपेक्षा, ठीक लगता तो एक ठंडा पानी जल्दी बर्फ बने, बताइए प्रिया जी आप। हाँ अरे क्या ऐसा होता है कभी अपनी, हाँ कभी एक बार करिएगा, पानी गर्म करके रखिए, दोनों समय पर रखिएगा और जाके दोनों फिर से निकालिएगा, वैसे गर्मी भी आ भी रही है, तो गर्म पानी जो जल्दी बर्फ बनता है। अब इसका कारण क्या है, फिर दूसरा कारण हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें गोली होती हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया, क्यों होती हैं, पृष्ठीय तनाव कारण वर्षा की बूंदें गोली होती हैं। ठीक, तो गोली कैसे होती है, जब पार्टिकल्स होता है, जब वर्षा कण संघनित होते तो जल्दी संघनित हो पाते हैं और तो वर्षा का रूप लेके गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी की तरफ अग्रसित हो जाते हैं और इसे हम बाद में क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वर्षा और वर्षण दो होते हैं, तो वर्षण में भी सहायक होते हैं धूल कण। अच्छा वर्षण किसे कहते हैं,
कोई बताएगा वर्षा वर्षा में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है अंपुल जी, आप बताएं क्या कोई डिफरेंस है? अच्छा आप बताइए वर्षा वर्षण में क्या अंतर है? हाँ हाँ, जैसे बर्तन कहते हो गिलास कहते हैं, बर्तन गिलास में कोई डिफरेंस है क्या? है बताएं क्या? अरे बर्तन कहते हैं सब आ जाएगा, कटोरी चम्मच सब आ जाएगा, और खाली गिलास नहीं है तो गिलास अलग। तो वर्षण में कई रूप होते हैं, उसका भी एक रूप होता है वर्षा। वर्षण वर्षा कैसे होती है? देखिए हिमपात पड़ना, कोहरा पड़ना, पाला पड़ना, ये सब क्या है? ओला पड़ना, वर्षा होना, ये सब में पार्टिकल धूल कण उसके जिम्मेदार होते हैं। बिना धूल कण के ये बूंद के रूप में नहीं बन पाती और पृथ्वी तक नहीं आ पाते। इन सब के बनने में भी इसमें भी बड़ा अंडर टर्म है, कोहरा क्यों पड़ता है, हिमपात ही क्यों होता है, ओला हिमपात में क्या अंतर है? अब बताइए ओला और हिमपात में क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। ज्ञानचंद जी हाँ अंतर है, अब बताइए, आप बताइए ओला हिमपात में अंतर है? अंपुल जी आप बताएं, आप बताएं ओला हिमपात में अंतर है? हाँ हिमपात जो होता है सॉफ्ट होता है, हिमपात जैसे जब होता है, जब बर्फबारी से कहते हैं, जब जाते हैं घूमने सैलानी तो देखते खींची थी दूसरे को मारते हैं वहां दौड़ा दौड़ा के, और ओला जो गिरता है तो ऐसा लगता है सर फट जाएगा, वो पूरा बर्फ का टुकड़ा होता है। अगर किसी को रूई से मारा जाए और पत्थर बर्फ के टुकड़े से मारा जाए, चोट किससे लगेगी? तो बर्फ का टुकड़ा जो होता है ओला होता है, और जो हिमपात होता है सॉफ्ट होता है। उसके कारण क्या है अब आप बताएं, वो ठोस क्यों होता है सॉफ्ट क्यों होता है? भाई इसका भी रीजन होगा बताएं। जिस जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से ज्यादा है, वहां पे जब भी होगा हिमपात होगा। जो समुद्र से काफी नीचे है या मैदानी क्षेत्र है, वहां पे जब भी होगा क्या पड़ेगा? ओला पड़ेगा। ठीक, इसके लॉजिक अंदर जाएंगे तब पूरा भूगोल हो जाएगा ऑप्शनल भूगोल, और हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल स्टडी के लिए। ठीक, सामान्य अध्ययन के लिए हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये था धूल कण की छोटी सी कहानी, लेकिन दोनों के लिए धूलकण जिम्मेदार होता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, अब आते हैं जलवाष्प। ये जलवाष्प क्या होता है? अब उतना अंग्रेजी नहीं, हिंदी बताते हम बता भी देते, क्या तो आप पूछ लीजिए क्या होता है? नीचे नहीं आते, वो भी वायुमंडल में रहते हैं तो भी वर्षा में जिम्मेदार होंगे। हाँ ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब उस पर वर्षा की बूंदें बनी तो उसको लेकर नीचे चले आएंगे ना। यहाँ तो ये जैसे कि अभी आप लोग पढ़ेंगे हमारे कृत्रिम वर्षा होती है, ये पीछे पीसीएस का पूछा क्वेश्चन है और मेंस में भी था कि कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, क्या कृत्रिम वर्षा कराना जरूरी है कि नहीं। अभी आगे हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर में एक खतरनाक गैस है जो उसको क्षरण करने में सबसे ज्यादा अहम योगदान देता है और सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। उसका नाम क्या है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कम करने का कोई तरीका है? क्या करना बताइए, कोई बताएगा क्या किया जाए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी कम हो जाए? वर्षा कराना है, लेकिन उसके लिए क्या क्या नुकसान हो जाए, उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे जब आगे। अभी तो हम लोग केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वायुमंडल से, अब बाकायदे इसको लिखेंगे वन बाय वन। अब आते हैं जलवाष्प पढ़ते हैं, ये जलवाष्प क्या होता है काम है। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? धूल कण और जलवाष्प। तो जलवाष्प किसे कहते हैं आप बताइए? जलवाष्प और गैस में कोई अंतर है बताएं? ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि सोचने मजबूर कर देते हैं। चलिए आप बताएं, ये जलवाष्प और गैस में कोई अंतर है? आप बताएं जलवाष्प और आर्द्रता में कोई अंतर है, ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर्स में? आप फिजिक्स वाले अंग्रेजी पढ़े होंगे, जैसे उसे अंग्रेजी में होता है ना, हम तो बीए पढ़े हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा। हाँ अच्छा, आर्द्रता और जलवाष्प एक ही है तो उसे अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है? तो क्योंकि सबको आर्द्रता ही कहना चाहिए। हाँ अब सही बताया आपने, उसके पहले जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है? जब सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को गर्म करती हैं, तो जो जल होता है वो जल का गैसीय रूप में बदलना ही जलवाष्प कहलाता है। जल का गैसीय रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? जलवाष्प कहलाता है। वायुमंडल में इसकी विद्यमानता क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक, आर्द्रता क्या होती है? जैसे अब जैसे एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे, जवाब सोच के दीजिएगा। सब प्रश्न जब पूछते हैं इसका मतलब सबसे पूछे, जवाब भले कोई एक दे। ठीक, तो आप ये बताइएगा कि जब
कपड़ा वपड़ा कचरना तो आता ही होगा, कचरती भी होंगे ठीक, धुलती भी होंगे कपड़ा। तो ये बताइए ठंडी में जल्दी कपड़ा सूखेगा कि बरसात में? जल्दी सूख जाएगा ठंडी की अपेक्षा। ज्ञानचंद जी, हाँ ठंडी में सूखेगा कि बरसात में? अरे जब धूप खिली होती है, और सबसे ज्यादा उमस कब होती है? बरसात के मौसम बर्दाश्त नहीं होती, आप बताइएगा। किसकी अपेक्षा, ठंडी की अपेक्षा? हाँ वही जून जुलाई की बात कर रहे हैं हम, जुलाई वुलाई की बात। हाँ बोलिए आप बताएं। हाँ चलिए आप बताएं। हाँ ठंडी में कपड़ा जल्दी सूखेगा? हाँ चलिए आप बताइए क्यों। हाँ अब बताएं क्या बताएं, हम तो सुने ही नहीं। ये ह्यूमिडिटी क्या होती है? वायुमंडल में आर्द्रता होती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम लोग कपड़ा सूखने के लिए रखते हैं डारे पे, जब फैलाते हैं तो कपड़ा कैसे सूखता है, कभी सोचा आपने? धूप से सूखता है। अगर धूप से सूखता है तो हम कभी कभी कपड़ा घर में रखते हैं सूख जाता है, होता है ना कभी कभी, जब बारिश होती है आदमी घर में कपड़ा रखता है और घर में सूख जाता है, क्योंकि उसके संपर्क में जो वायु आती है उसे किसके रूप में, जलवाष्प के रूप में बदल कर जितना पानी होता है उसे खींच ले जाती है, कपड़ा आपका छोड़ देती है, इसे कहते हैं हमारा कपड़ा सूख गया। तो वायु में जो जलवाष्प या जल को खींचने की क्षमता होती है वो बरसात में कम हो जाती है, क्यों बताएं? क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही इतना ज्यादा जलवाष्प आर्द्रता होती है कि उस समय आपको उमस बहुत लगती है, गर्मी नहीं लगती, उमस लगती है, बर्दाश्त नहीं होती वो गर्मी, इसे कहते हैं उसमें उस समय वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, वायुमंडल पहले जलवाष्प की मात्रा है, हाँ, और कपड़ा क्या होगा, ठंडी की अपेक्षा तेजी से सूखेगा, याद रखिएगा ये ठीक। अब फिर प्रश्न उठता है ये कि ये आर्द्रता ह्यूमिडिटी का कैसे पता चलता है? देखिए जब कहते हैं कि आज बहुत गर्मी लग रहा है इसका मतलब वर्षा, इसका मतलब बादल जब नजदीक आते हैं जलवाष्प ज्यादा उठने लगता है, आपके आसपास आर्द्रता ज्यादा होने लगती है, तो कहते हैं भविष्यवाणी कर देते हैं आज बहुत गर्म है, लगता है बारिश होगी क्या, तो इसी से पता चलता है ठीक। चलिए और आगे टर्म बढ़ाते हैं। तो यह था क्या, किसका कारण था, आर्द्रता। तो जलवाष्प जो है वायुमंडल में ज्यादा ऊंचाई तक तो नहीं पाए जाते, लेकिन लगभग औसतन 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा मिलती है। और ये कहा जाता है यदि वायुमंडल में विद्यमान जितना भी जलवाष्प है अगर एक साथ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाए तो लगभग 2.5 इंच तक पूरे पृथ्वी का जलस्तर बढ़ जाएगा। 2.5 इंच बहुत बड़ी चीज होती है, 2.5 इंच तक जलस्तर ऊंचा हो जाएगा, इतना वायुमंडल है, उससे ज्यादा ही होगा, मतलब कम से कम 2.5 इंच तक क्या हो जाएगा, समुतल ऊंचा, मतलब पूरा जितना समूचे पृथ्वी है उसका जलस्तर कितना उठ जाएगा, लगभग 2.5 इंच उठ जाएगा ठीक। आगे बढ़ा जाए, ये तो हो गए हैं। अब आते हैं गैसेज के बारे में, गैस की बात करते हैं। हमने देखा वायुमंडल में बनने में दो चीजें, पहले हमने पढ़ ली आर्द्रता, मतलब सर जलवाष्प और धूलकण, तीसरा जो फैक्टर उसका नाम है गैस। गैस किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन आपने पढ़ा भी जानते भी है लेकिन दिमाग से निकल नहीं पाता, लगता हाँ ये तो सही तो बता लेंगे। ज्ञानचंद जी, हाँ गैस, हाँ लेकिन गैस किसे कहते हैं, तो गैस के प्रकार हो गए ना, अब आदमी किसे कहते हैं, लड़की किसे कहते हैं, उसके भी कुछ प्रकार होंगे ना, फिर वैरायटी होगी। अब ये गिलास और बर्तन वाला हाल है, बर्तन किसे कहते हैं, गिलास किसे कहते हैं, बर्तन का उदाहरण क्या है, गिलास है। वैसे आपने उदाहरण बताया कार्बन डाइऑक्साइड, आप बताएं कुछ, आप बताएं। अंपुल जी आप तो बताए थे उस दिन, आज आप बताएं। प्रिया जी आप, हाँ जिसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता, उनके जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। गैस के प्रकार, वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस है उसका नाम क्या, N2O। कल N2 है ना, नाइट्रोजन का। देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री नहीं आती हमको, तो मैथ वाले जो होंगे, जो BSc होंगे तो केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे ठीक। N2 मतलब नाइट्रोजन, ये वायुमंडल सबसे ज्यादा है ना, ये कितना 78.08% कितना है, 0.0। दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो गलत हो गया बता दीजिए, क्योंकि भैया देखिए BSc साइंस के स्टूडेंट, आर्ट के स्टूडेंट है। O2 ये ऑक्सीजन है, ये 20.95%। फिर तीसरे पे जो आता है आर्गन है क्या, 0.0। फिर इसके बाद जो आता है उसको CO2 कहते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है 0.0
3.33%। अच्छा, जो देख रहे होंगे तुमको यही पता होगा, संयम इसको नहीं आता होगा। हाँ, सही बात, आपने सही सोचा। ठीक, इसके नीचे जो शुरू होते हैं, इसके नीचे हल्की गैसें शुरू होती हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, और कहाँ कौन सा है, देखिए नाम ही नहीं याद है, बताएं दो चार का नाम, और नियान है, और आर्गन तो हो गया, अक्री गैस है बताइए, क्रिप्टान है, और जेनान है, और इस सबकी मात्रा कम, ही सवाल की गैस है। अब एक प्रश्न सीधा ये पूछ चुका है आपके परीक्षा में, कई परीक्षा में, किन दो गैसों को मिलाकर पूरे वायुमंडल का 99% गैस होता है? तो बस इन्हीं दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 99% हिस्सा अकेले कवर करते हैं। कौन कौन गैस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर आता है आर्गन। आर्गन का बहुत ज्यादा रोल नहीं, लेकिन वायुमंडल में इनके अनुपात के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर आता है आर्गन। अब जो तीन प्रमुख गैसों को हम लोग को पढ़ना है वो यही पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक आठ नाइट्रोजन कह देंगे, एक आठ हाइड्रोजन भी पढ़ लेंगे अगर आप कहेंगे भाई, और फिर हीलियम भी पढ़ लेंगे, और जियान, नेप्टान, कैप्टान, क्या क्या आपने बताया उन सबको भी पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक, आठ के हैं लेकिन ये मत समझिए कि नहीं पढ़े हैं, आगे आते हैं। अब नाइट्रोजन गैस का क्या क्या काम है? अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होता तो क्या होता, सबसे बड़ा प्रश्न, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होता तो क्या क्या होता, अगर नहीं होता तो क्या, कल्पना करिएगा नाइट्रोजन नहीं है तो क्या होगा। ज्ञानचंद जी बताते रहिए, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका सबसे बड़ा काम क्या है, इसका कोई काम है? कोई काम नहीं है, तो क्या करें, इतना परसेंट है, आप लोग बताएंगे? अंपुल जी आप बताएं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, एक काम ये करता है, आग बुझाने में काम करता है। ठीक, आप बताइए प्रिया जी, इसका और क्या काम है? हाँ, पौधों के लिए जरूरी है, किस लिए जरूरी है पौधों को? क्या पौधे प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं? तब कैसे लेते हैं? जड़ से लेते हैं, जड़ विकास नाइट्रोजन किसे होता है, हम तो देख रहे हैं वायुमंडल में है। हाँ, क्या होता है, स्थलकरण, ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस बताइए? जैसे हम ही है सांस ले रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन है, हाँ पूछता है कोई बायो का है इसमें आप, अच्छा मतलब हम भी नहीं है, बायो वाले खास रहेगा, चलिए आगे देखते हैं, बायो की बात करते हैं, बायो जानते हैं, बायोलॉजी अभी मैडम पढ़ा के गई हैं। एक प्रोसेस में छिपा होता है कि मनुष्य अपने श्वसन अंगों द्वारा कौन सी गैस अंदर ले जाता है, बताएं आप, गैसों का मिश्रण, लेकिन लोग कहते हैं ऑक्सीजन, जो पुराने स्टूडेंट है तो क्या कहते हैं उसे, गैसों का मिश्रण लेके अंदर जाते हैं, लेकिन हम आप क्या कहते थे, ऑक्सीजन। अब सांस लेते हैं, कोई बगल में सिगरेट पी रहा हो, कहीं सेंट महक रहा हो, कैसे अंदर जाता है, इसका मतलब कि वो भी आप अंदर, तो सभी गैसों का मिश्रण जाता है, ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन चिपक जाता है, बाकी गैसें वापस आ जाती हैं, और हीमोग्लोबिन पहुंचकर वो शरीर में संचरण काम करता है। ठीक, लेकिन नाइट्रोजन भी जाता है, और नाइट्रोजन जाने के बाद क्या करता है, हम गए मर गए, मरने के बाद क्या हो गया, तो जलाएंगे तो दफनाएंगे, दो में से क्या काम करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में है तो जलाएंगे, तो जलाएंगे तो उसकी क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद फिर कहाँ जाएगा, जमीन पर, फिर पौधे लेंगे, हमने लिया फिर पौधे लिए, फिर पौधा गिरेगा, फिर मिट्टी में जाएगा, तो एक प्रक्रम ऐसे चलता रहता है। और कुछ ऐसे हैं इसको राइबोसोम में बदलते हुए, मैडम आएंगे वो आगे पढ़ाएंगे सब, उनका पोर्शन है, लेकिन खाली भूगोल बनाते उसको इतना झंझट पाले हैं, और आगे देखते हैं हम। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे जो पौधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते जमीन से, उन्हें कहते हैं कीट भच्छी पौधे, वो क्या करते हैं, खोल के बैठे रहते हैं मुँह, कोई आया बंद कर देंगे, और उसके शरीर से नाइट्रोजन खींच लेते हैं, फिर बाद में उसको छोड़ देंगे नीचे। ठीक, तो नाइट्रोजन लेने के लिए सारे, और जो पेड़ पौधे नाइट्रोजन ज़्यादा लेते हैं वो क्या देते हैं, उनके जो प्राप्त होते हैं फल उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, और प्रोटीन का काम क्या होता है, मसल्स को मजबूत करना, जो जिम ज्वाइन करते हैं वो पहले प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर, तो प्रोटीन काम क्या है, मसल्स को, ठीक, हम जैसे उगली नहीं है। ठीक, तो ये हो गया प्रोटीन का काम करने में, तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन जो जो लेते, जैसे अब अरहर की दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन, इसका मतलब क्या लेता है ज्यादा, जमीन से नाइट्रोजन, तो कुछ प्रश्न हम अपने आप कर लेंगे, क्या लेंगे, नाइट्रोजन। अब दाल कोई बात है, सोयाबीन प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है, क्या लेता है,
ठीक, ये अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मानी पेड़ पौधों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है नाइट्रोजन भी जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार मनुष्य के लिए विटामिन प्रोटीन मिनरल जरूरत पड़ती है, वैसे उन्हें प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ भैया सांस लेने के अलावा कुछ खाने पीने को भी चाहिए, विकास के लिए चाहिए, तो उनके लिए नाइट्रोजन काम करता है। इससे समझिए ताकि आप कहानी की तरफ पढ़ते जाएं और आपके दिमाग में छपता जाए। ठीक, यहां से प्रश्न बने। दूसरी बात, पहले ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं, फिर दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ऑक्सीजन आता है जो दूसरे स्थान पर है, इन दोनों को मिलाकर पूरे वायुमंडल का लगभग 99% गैसों का मिश्रण, केवल इन दोनों को मिलाकर 99% अकेले है। ठीक, इसे प्राणवायु कहते हैं। अगर यह न होता तो पृथ्वी पर जीवन, और यह हमारे लिए भी उपयोगी, पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी है। हमें कौन देता है? पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे क्या करते हैं? मुक्त करते हैं और हम उसे लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ लेते हैं। तो यह प्रक्रम लगातार चल, अभी इसको भी डिफाइन करेंगे और आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम ये देखते हैं, यह प्राणवायु है सभी जीव झारियों के लिए, केवल मनुष्य के लिए, केवल मनैये नहीं सांस लेते। आपके घर में कोई गधा होगा, गधा जानते हैं, गधा गधही, तो वो लोग भी सांस लेते हैं। वो सांस लेते हैं तो वो भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ ठीक, अच्छा ये तो गधा हो गया, गधही तो हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसके साथ साथ हम और कुछ देखते हैं कि जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं कि जैसे सांस लेने के साथ साथ मंजन करने का भी काम करते हैं। जानते हैं, गाय भैंस को देखा है, वो खाने के बाद मंजन करते हैं। और आप लोग मंजन कर देखे, खाने के बाद देखते इसी से करते रहते हैं। और बगल से क्या निकलता है? टूथपेस्ट निकलता रहता है, देखा आपने ना। तो खाना खाने के बाद टूथपेस्ट ये पूछता है कि जब भोजन करती हैं, जब गाय भैंस, तो क्या निकलता है? ये प्रश्न पूछा इसलिए बता दे रहे, पीसीएस से पिछली बार अभी जो 18 वाला पीसीएस उसमें भी पूछा था। CH4, ACH4 क्या होता है? इसका नाम मेथेन है। क्या है? मेथेन। मेथेन कहाँ से निकलता है? जब गाय भैंस जुगाली कर, उसे क्या कहते हैं? मंजन करना नहीं कहते, उसे कहते हैं जुगाली करना। जुगाली करती तो क्या निकलता है? CH4 निकलता। अच्छा, एक जगह से और निकलता है, सब्जी उब्जी जब सड़ जाती है उसमें से CH4 निकलता है। ठीक, क्या निकलता है वहां से? CH4। और कहाँ से निकलता है CH4? धान की खेत से। ये भी प्रश्न पूछा है, ऐसा सारे पूछे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी क्लास है कि हम उठाएंगे एक टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? CH4 निकलती है। गोबर प्लांट से, गोबर गैस से, गोबर जहाँ गोबर गैस का जहाँ प्लांट होता है वहां से कौन सी गैस निकलती है? CH4 निकलती है। ठीक, अगर आपकी सब्जी भी सड़ जा रख दी तो उसमें से CH4 निकलता है, तो सड़े गले पदार्थों से ये निकलता है CH4। हाँ हाँ, लेकिन ये हमें CH4 पड़ रहा है, इसको टारगेट किए हैं। ठीक, अब आते हैं फिर ऑटो के पास। तो ऑक्सीजन का एक काम हो गया प्राणवायु, इसका एक काम और है जो परीक्षाओं में पूछता है, आदमी गलत कराता है, वो काम क्या है? खाना बनाना जानती हैं आप? किससे बनाती है खाना? गैस से बनाती हैं। आप भी जानती हैं खाना बनाना? चलिए, मतलब हम ही नहीं जानते खाली, आप भी जानती हैं, और आप दोनों तो जानती होंगी, आप जानते हैं बनाना। अच्छा, देखिए खाना ज्ञान से बनाइए, खाना किस पर बनाता है? आपके घर किस पर बनता है? आपके घर खाना किस पर बनता है? तीन चीज बनता, चाहे चूल्हा, चाहे स्टोव, चाहे लकड़ी। चूल्हे पे किसे बनता होगा? माना चूल्हे पे बनता है या गैस पे बनता है। तो गैस कैसे जलता है? गैस गैस से जलेगा। स्टोव किसे जलता है? मिट्टी तेल से। अगर पूछे आपके घर गैस जलता है या खाना किस पे जलता है, क्या बताएंगे आप? इसे लकड़ी का, लकड़ी से। सही बात है, लेकिन नहीं, वो जलता है किससे? ऑक्सीजन से। हाँ, अब कल्पना करिए मोमबत्ती जला दीजिए, उसको ग्लासेस कांच ग्लास से ढकिएगा, तो जब तक ऑक्सीजन तब जले, उसके बाद हम तो कहते हैं गैस जलता है गैस से, लेकिन वास्तविकता किससे जलता है? ऑक्सीजन से। अब चूल्हा जलाइए, उसके ऊपर कटोरी रख दीजिए, कुछ जरूर बुझ जाएगा, ये आपका गैस काम करना बंद कर देगा। मतलब इसे दहन गैस भी कहते हैं, दहन में सहायक होती है कौन? ऑक्सीजन। हम कहते हैं खाना तुम्हारा लकड़ी बनता है, लेकिन ऑक्सीजन से बनता, ऑक्सीजन न होता तो खाना। अच्छा, एक बात और, एक प्रश्न और हमारे दिमाग में आ जाता है, आपके भी दिमाग में आ जाता है, कि अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होता, मतलब लगभग यह 78% होता और ये लगभग 20% होता, 21% होता, तो क्या होता? व्हाट हैपन, इसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो क्या होता अगर रिप्लेस कर दे एक दूसरे को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या क्या घटना घटेगी? सबको ऑक्सीजन खूब मिलेगी, दिक्कतें खत्म हो जाएगी ना। अच्छा, जल भी जाएंगे। हाँ, अगर वायुमंडल में कहीं आग लग जाएगी, किसी स्थान पे आग लग जाएगी, उसे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। कहेंगे ये कैसे? कहेंगे अब हम आपको याद दिलाते हैं, अब मॉल अगर हम जाते होंगे सामान वामान खरीदने, आजकल भाई आम बात है, जाना कुछ नहीं लेना, फोटो खींच लेना है, ठीक है। हमारी तरह लोग जाएंगे क्या करें, कुछ खरीदारी करना नहीं है, ठीक, खाली जब व्यस्त होते हैं पता चला चले कोई मिला, चले घूम आते हैं। ठीक, तो वहां जब जाएंगे, इतना बड़ा लाल के सिलेंडर में रखा होता चूल्हा पे वाला गैस,
सिलेंडर होता है, अब उनके घर में गैस चूल्हा ज्यादा हो जाता है तो लाके वहां रख देते हैं मॉल में, पटाखे की दुकान में जाते फिर वहां रखा होता है, ये होता क्या है? तो उसमें क्या भरा होता है? पानी, बालू, नाइट्रोजन, ये क्या काम करता है पता? जैसे आग लग गई, ये स्थान था यहाँ पे आग लग गई, इसको काबू करना है तो इस पे जैसे कोई व्यक्ति अगर जल जाए या आग लगा हो तो इसको कोई गलती से पानी मत फेंकिएगा, आप लोग लाइट टाइम याद रखिएगा, भड़के ना भड़के बेचारा मर जाएगा। और एक बात, अगर कोई व्यक्ति आग से जल उसको प्यास बहुत लगती है, अगर वो पानी मांगेगा तो पानी कभी दीजिएगा मत, अगर पानी दे दीजिएगा तो उसकी जिंदगी खत्म, तुरंत पॉइजन हो जाएगा पूरी बॉडी में, उसको ऐसे कहिए ठीक है पानी कितना रो दे लेकिन पानी मत दीजिएगा, उसको सीधा अस्पताल पहुँचाइएगा, उसके ऊपर ना पानी फेंकिए, पानी फेंकिएगा सही हो जाएगा, अगर मान ली हाथ ऐसे था जलते हुए ऐसे हो गया पानी फेंक दिया इतने अटक जाएगा, ठीक। इसलिए बात हमेशा याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर जल रहा हो उससे अगर फेंकना भी है सरसों का तेल फेंकिए, पानी ना पिलाइएगा ना पानी दीजिएगा, लेकिन सब विवेक काम नहीं करता, आप ही को होगा तो हम ही को होगा, जले रहेंगे पानी पहले पी लेंगे, और जैसे पानी पिएंगे पूरी डैमेज हो जाएगी, क्या कहते हैं उसे, स्टमच कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पेट कहते हैं ना, हाँ, तो पूरा तुरंत वो इन्फेक्शन हो जाएगा, 2 से 4 घंटे बाद आदमी डेथ हो जाएगी, 4 घंटे शायद 4 से 5 घंटे बाद पूरा बॉडी में पॉइजन हो जाता है, तो पानी इसे ध्यान दीजिएगा। तो अब आते हैं अगर कहाँ पे आग लग गई तो लोग करते क्या है, कंबल फेंकते हैं, देखा आपने आग लग जाएगा तो कंबल फेंकते हैं, पिक्चर देखते होंगे वहाँ देखे होंगे, ब्रास कंबल फेंकते हैं, तो कंबल क्या करता है इसको घेर लेता है, जब घेर लेता है तो अंदर क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, और सप्लाई रुक जाती है तो क्या होता है आग पे काबू कर लेते हैं। तो वही काम, जैसे अगर यहाँ आग लग गई नीचे जमीन पे, आग लग गया जैसे आपका, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ऊपर से अगर गैस को फुहारा मार देंगे नाइट्रोजन का, एक लेयर बना लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा रोक देगा, तो जितनी ऑक्सीजन आती उतना जलेगा, उसके बाद क्या होगा आग अपने आप बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। तो इसलिए जब वहाँ पे बड़ा सा कार रखा होता है, टंकी रखा होता है, लाल का पीला कलर कौन कलर होता है, रेड कलर होता है ना, लिखा होता है फायर, तो उसमें और क्या होता, अगर इतना होता हम सांस लेते हैं तो गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो पता चला जैसे कोई चिंगारी से लगा देता और सांस लिए फिर बड़ा जला जाता आपका। तो नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, ये दहन गैस है और दहन में सहायक है, और ये क्या है, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होता तो आग पे काबू पाना मुश्किल होता, कभी जंगल में आग लग जाती है तो बुझाना मुश्किल हो जाता है, अगर इतना अंतर होता तो खत्म हो जाता जंगल है पूरा, आग पे काबू नहीं कर पाते हम लोग, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये आगे बढ़े, प्रश्न भी बनता जा रहा है आपका, हमको सॉल्व भी करते चलिए, समझ लीजिए प्रश्न बना बना के सॉल्व कर रहे हैं आपको, इस तरह से पढ़िए ताकि कम समय में खत्म हो जाए। फिर आते हैं आर्गन, इनका कोई काम नहीं, इनसे बातें नहीं करना है, और आगे बढ़िए, आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पास, इनका काम क्या है, इनका काम है, इस गैस को बेचारे बहुत लोग गाली देते हैं लेकिन बेचारा करे तो करेगा, इस गैस का क्या योगदान है बताए, हमको लगता है कोई काम का नहीं है, कोई काम का ही है। अरे भगवान, अगर पौधे ना ले तो क्या हुआ, वायुमंडल में तो अभी 20% है, बताइए अंबुल जी आप बताइए, ये कौन काम का है, इसमें बहुत गिर जाते हैं सब, जब भी होगा पता चला जलवायु सम्मेलन है, जल परिवर्तन सम्मेलन है, कार्बन कटौती करिए, बेचारे इसी को परेशान करते हैं। अच्छा याद आ गया, इस बार पीछे से पूछा भी था कि कार्बन कटौती में अग्रणी राज्य कौन सा है, अभी आपसे पूछेंगे हम, ठीक, मैं पूछा था इसलिए टॉपिक आ रहे हैं, प्रश्न ही बोलते चल रहे हैं, हाँ क्या है मजाक कर रहे हैं, देश पूछ रहे हैं हम, हाँ अरे बेचारा छोटा मोटा पिद्दी सा देश बेचारा, इतना अमेरिका चीन कहते पर समझ में भी आता तो कोई एक सही हो भी आता, हाँ सबसे ज्यादा पूछे हमने, अब आप बताइए चीन है अमेरिका, भारत कौन से स्थान पर है, और ये एक खुद ही एक टॉपिक है, जब छेड़ेंगे नहीं इस टॉपिक को, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। अभी बताइए कार्बन डाइऑक्साइड क्या रोल है, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो क्या होता ज्ञानचंद जी, ये लफड़ा ना होता, टेम्परेचर ना बढ़ता, भले इसके बारे में बता दीजिए गैस का क्या काम करता है, चलिए आप बताइए, इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण वाला गैस कहते हैं, वैश्विक तापक्रम बढ़ाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान इसका, वैश्विक तापक्रम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में साथ ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस समय, आज क्या तारीख है, अभी 16 मार्च 23 मार्च को सूर्य किरणें पहुंचेंगी भूमध्य रेखा पे अभी, और अभी ऐसा लग रहा है इसे मई जून की गर्मी है, अभी बाहर निकलिए 2 बजे तक लपटें चलना शुरू हो जाती हैं, सुबह इससे लगता है कि ठंडी आ गई है क्या, हाँ तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये कारी कहानी है, इसी की वजह से हो रहा है। तो वायुमंडल में अगर ये ना होता तो झंझट ना होता, हाँ ये टेम्परेचर बढ़ाने काम करता है, इसे पार्थिव विकिरण अभी पढ़ेंगे इसको, कल लिखेंगे बताएंगे पार्थिव विकिरण के लिए कैसे होता है, सौर विकिरण के लिए क्या करता है, कब पारगम्यता बढ़ाता है, कब पारगम्यता कम करता है,
ठीक, इसकी कब शॉर्ट वेव्स होती है, कब लॉन्ग वेव्स होती हैं। ये पृथ्वी जैसे सूर्य से किरणें आती हैं पृथ्वी के पास तो वापस लौट जाती है, क्या करता है उसको चिपका लेता है। इसके पास क्या होता है, उसको सूर्य किरणों को क्या करता है अपने पास चिपका लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो फिर क्या होता है, वापस नहीं जा पाती, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक, जो जैसे कलमपुल जी बता रहे थे जलवायु परिवर्तन, तो यही सब कारण है, टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका उत्सर्जन हम बहुत तेज गति से कर रहे हैं, अभी बताएं कहाँ कहाँ कर रहे हैं, अभी आगे बताएंगे आप सब खुद ही। तो वो बताएं जरा प्रिया जी, अगर ये गैस ना होती तो क्या होता? हाँ सर, अगर टेम्परेचर को ये इंक्रीज करता है तो ऐसी कंडीशन में सर अरे इसका इतना बड़ा काम है, कुछ दिन बाद पूरी पृथ्वी जीवन खत्म कर देगा। कहेंगे ये कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा, अंटार्कटिका आर्कटिक बर्फ पिघलेगी, वैज्ञानिकों ने पहले आगाह कर दिया है, बर्फ पिघलेगी, समुद्र ऊंचा होगा, कई देश निश्चय नाबूद हो जाएंगे, और जब वैश्विक तापक्रम बढ़ेगा तो आप क्या भी समस्या आएंगी। अब ये बताइए, हर बार ठंडी पड़ती थी तो पूरा दिन कोहरा पड़ता था, और दो दो तीन दिन तक क्या होता था, सूर्य किरणें नहीं। हाँ, क्या इस बार ऐसा हुआ कोई एक दिन जिस दिन पूरा कोहरा पड़ा हो? एक एक महीने शीतलहरी की छुट्टी हुई है, हम सबको जमाने में छुट्टी होती थी, एक महीने की शीतलहरी छुट्टी होती थी, दिन में सब अलाव पड़ते थे, सूर्य दिखता नहीं था, और दिन में सब खेलते थे। लेकिन आज समय बदल गया, अभी बताएंगे बहुत सारा दिन ऐसा हो गया जो हम सब आखिरी पीढ़ी वाले हैं, उसके बाद की पीढ़ी नहीं देख पाएगी। तार से चलाने वाला, पूरे गांव में चक्कर लगाने वाला, लुका छिपी खेल, इतने खेल थे। ठीक, छत पर सोना पानी मार के आना, कम चादर सोना, सुबह 8 बजे उठना। अब क्या है, 4x8x10 कमरे में सोना है आपको। ठीक, और अगर चार लोग घर में बैठे हैं, चार मोबाइल में, तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, खेलने वाले कहाँ है, मोबाइल में खेल रहे हैं। तो कहने मतलब पूरी दुनिया के सिमट गई है मोबाइल के पास। अभी देखिए इससे बहुत बड़ा खतरा सामने उत्पन्न हो रहा है, अभी जब पर्यावरण पढ़ाएंगे तो पूरी बात की इसकी व्याख्या करेंगे, ये कितना ज़्यादा दुर्लभकारी है हमारी पृथ्वी के लिए, और इसको कहते हैं ये चरम पे है, कुछ दिन बाद ये खत्म होगा, पृथ्वी खत्म, हम तो उम्र मान लीजिए जब तक है तब तक, कब कब भगवान को फ़ोन करते हैं कि हमारा टिकट कन्फर्म है। हाँ, डेट नहीं पता चल रहा है ना, टिकट हाथ में तो पता चले क्या तारीख को है, लेकिन कन्फर्म टिकट है, वेटिंग में नहीं है, आप सब की तरह हम कन्फर्म वाले हैं, इसे जब तक है तब तक अपनी जिंदगी का बेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी, अब ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, इतनी गाली इतने सोच मर गया बेचारा, हमारी तो जैसे हम सोच रहे हैं बैकग्राउंड चला गया, अब क्या होगा, ऐसे जब तक था तब तक लोग गाली देते थे, अब नहीं है बेचारे से कोई गलती नहीं, तब वो अभी बताएंगे इसकी कोई गलती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सी गलती नहीं है, लेकिन अब सोच की फर्क है, अब इसकी गलती क्या है बताएं। अब अगर ये वायुमंडल में ना होता तो जीवन ना होता, पूरी पृथ्वी जीवन ही नहीं होता, कहते अभी तो कहते प्राण वायु ऑक्सीजन है, तो तक अब कार्बन डाइऑक्साइड कह दिए, तो मैंने यही कहा ना, अब हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, आपने पढ़ा भी है कि प्राण वायु क्या है, अगर ऑक्सीजन ना होती पृथ्वी जीवन नहीं है, ऐसा था हम लोगों ने पढ़ा सुना था, लेकिन आज आपने पहली बार सुना होगा या कुछ लोगों ने दूसरी बार तीसरी बार सुना होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता पृथ्वी पर जीवन, सही बात है, सही बात है, कैसे? हाँ, अब पेड़ पौधे मनुष्य जीवित है किसके नाते, पादपों के नाते। ठीक, कल्पना करिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ये प्राण वायु उनके लिए है, किसके लिए, पेड़ पौधों पादपों के लिए, अगर पादप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो पादप नहीं, पेड़ पौधे नीम ये सब खत्म, कल्पना करिए पूरी पृथ्वी पर कोई वृक्ष पेड़ पौधे घास फूस कुछ नहीं है, तब कहाँ खाएंगे, कहेंगे खरगोश खा के जी लेंगे, भाई कह सकते हैं भाई बकरा खा सकते हैं, बकरी खा सकते हैं, मुर्गा मुर्गी खा सकते हैं, वो खा, अब वो क्या कहाँ से रहेंगे, मुर्गा मुर्गी कहाँ से रहेंगे, बकरा कहाँ से रहेगा, घास रहेगा तब तो आएगा, तो कहेंगे डायनासोर खा जाएंगे, अब डायनासोर क्या खाएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब भुगता चक्र पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डायनासोर खाने के लिए जो चाहिए वो भी तो नहीं है, इसका मतलब पृथ्वी जीवन खत्म, पृथ्वी जीवन समाप्त, जीवन ही नहीं है, और सबसे खुरापाती इंसान पृथ्वी कोई तो मानव है, कौन है, मानव, तो मानव ही खत्म हो जाएगा और सारे जीव जंतु खत्म, मतलब अगर यह गैस नहीं है, क्योंकि देखिए एक होता है प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में शायद फोटोसिंथेसिस कहते हैं क्या, हाँ ऐसे कुछ कहते हैं, हम अंग्रेजी थोड़ा सही, अंपल जी बताएं ये क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, जब अंग्रेजी शब्द का यूज करते हैं शायद जरूर लगा देते हैं, लेकिन आप लोग मत घबराइएगा, हाँ कि ये कंफर्म नहीं, कंफर्म माना गया, तभी बोलते नहीं बोलवा नहीं करते, नहीं जो ऑनलाइन देखते होंगे उनको लगता होगा ये पता नहीं क्या था, सही बता रहे नहीं, तो अगर आप नोट्स बना रहे होंगे लिख रहे होंगे तो शायद आप रुक जाइए कलम, शायद शब्द लगा देते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं शायद जरूर लगा देते हैं, हम UPSC के स्टूडेंट हैं और हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, इसलिए हमको यही कहना पड़ता है खुले मंच पर, मजबूरी है। हाँ तो आप बताएं, सूर्य की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जमीन से खनिज लवण और जल ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्लोरोफुल के साथ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश। तो उनको भोजन के लिए क्या चाहिए? CO2। और ये नहीं है तो वो भोजन नहीं करें, वो नहीं भोजन नहीं मिला तो क्या हो जाएंगे? और कुछ दिन नहीं मिला तो वही तरह हो जाएंगे। ठीक। अब जैसे आज जब चार पांच दिन देखिए जब हमारे खूब कोहरा पड़ता है, जब सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता, तो जरा पेड़ का अध्ययन करा करिए, पत्ते नीचे गिरने लगते सूख सूख के, और जिस मौसम जिसे आप कहते हैं पतझड़ आया, ये भूल जाते हैं कि ठंडी उसको जब पड़ा सूर्य किरण मिली नहीं तो बेचारा क्या करेगा? कुछ मजबूरी है, भोजन उसको चाहिए, भोजन नहीं मिला तो बेचारा गिर जाएगा। और फिर जब खिलता है फिर नए पत्ते आते हैं जिसे हम कहते हैं बसंत ऋतु। ये लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको देखे, जरा खाना उसको मिला नहीं, इस बार जाइए देखिए, इस बार कोहरा कम पड़ा, ठंड कम पड़ा, अभी बसंत ऋतु कम दिखाई देगी। क्यों? कोहरा पड़ेगा तब तो गिरेगा पत्ता, गिरेगा क्योंकि उसका जीवन काल पूरा हो गया हमारी तरह, टिकट कंफर्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा डेट निश्चित नहीं हुआ है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि यह भी अगर पृथ्वी पर ना होता तो जीवन ना होता, माने पृथ्वी जो चीजें हैं सबका अपना अपना उपयोग, लेकिन ये अगर ज्यादा हो जाएगा तब ये, अगर ये लिमिटेड में है जिसकी कोई दिक्कत। ठीक, तो ये तीन ऐसे प्रमुख गैसें थी जिनका हमारे वायुमंडल में सबसे अहम रोल था। हाइड्रोजन सबसे ऊपर रहता है, अब हीलियम भी है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम क्या काम है? अब हवाई जहाज जानते हैं आप लोग, सुना भी होगा बचपन में बना के उड़ाए थे, याद है ना? वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी आने वाले जनरेशन में, हम सब अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने जहाज उड़ाया था। ठीक, जिन्होंने गोटी गोटी से ऐसे लोग खेलती थी लड़कियां ना, वो सब हम सब आखिरी पीढ़ी के हैं, इसके बाद खत्म, इसके बाद वही मोबाइल आएगा, और मोबाइल में क्या आजकल कौन चला है? हाँ भाई, जो जी हो, पार्ले जी जो जी हो वो चला। आगे बताइए आप, अरे प्रश्न क्या था? नहीं बता क्या प्रश्न पूछे, हम खुद भुला गए। अच्छा प्रश्न नहीं पूछे थे, अच्छा हमने ये पूछा था कि वायुमंडल में जो सारी गैसें हैं इनका क्या रोल है, सबका अपने अपने जगह है। तो हवाई जहाज के टायर में हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, अब हीलियम। ठीक, एक प्रश्न और पूछ चुका आपकी परीक्षा में, गोताखोर नाम सुना है जो जमीन खोदते हैं, क्या करते हैं? अच्छा पानी में जो चलते हैं उसे जलचर कहते हैं ना? अच्छा अच्छा जलचर, अच्छा अच्छा, तो एक शब्द हमने आपको जानबूझ के बोला ताकि कई शब्द जान जाए। जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं, वायु में रहने वाले को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं, और जमीन में रहने वाले को स्थलचर या थलचर, और जो जमीन और पानी दोनों में रहे उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इचर हो गया, ठीक, मन ही तो कुल चर है, हर जगह है। ठीक, स्थल पर रहता है, पनियों गोताखोर कहाँ रहते हैं? आद्र छत्र यदि कहाँ रहते हैं? हाँ, अब इसके बारे में बात करो, उसको कहते हैं जीवमंडल, अभी उसको आगे व्याख्या करेंगे हम लोग, वो पर्यावरण का टॉपिक है, लेकिन ये चैप्टर ही पर्यावरण का है इसलिए हम बता ही रहे हैं वायुमंडल को। फिर हमने ये देखा कि जो गोताखोर होते हैं अपने पीठ पे जानते हैं घर वाला सिलेंडर बांध के नीचे जाते हैं 15 किलो वाला, क्यों? हाँ अच्छा हल्का, तुम्हें क्या भरे होते हैं? ऑक्सीजन के साथ और कौन गैस मिलाते हैं? वो हीलियम मिलाते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि गोताखोर अपने सिलेंडर में जो होती है और उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अभी आगे पता नहीं कौन प्लावन बल जैसा कुछ होता है ना, एकमडीज का तीन सिद्धांत है, फिर प्लावन बल है, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ फिजिक्स वाले जानते होंगे, और खासकर जो अंग्रेजी फिजिक्स पढ़ते हो और बेहतर, क्योंकि किताबें अंग्रेजी में अच्छी मिलती हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए किताबें अच्छी नहीं मिलती, अच्छा राइटर किताब नहीं मिलते, इंग्लिश मीडियम अच्छे अच्छे राइटर किताब मिलते हैं और लोग पढ़ते भी हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन हीलियम ऊपर पाए जाते हैं और जितने भी गैसें हैं, अच्छा ये सब भारी गैसें हैं, और भारी गैसें जो हैं वो पृथ्वी के आसपास ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि किस कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स कारण, जो जो ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होती है, उनकी दूरी बढ़ती जाती है और ऊपर हल्के गैस मिलते हैं। तो ये भी अगर पूछेगा कि कभी परीक्षा मतलब घुमा के प्रश्न पूछता है कि नाइट्रोजन पृथ्वी के कितने कितने किलोमीटर तक पाए जाएंगे, तो ये समझे जो सबसे नजदीक दिखा है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 13 किलोमीटर रेंज में दिखे, तो वहां पे आप लगाइए क्या गैस मिलेंगे। ठीक, आज हम लोग ये पढ़ लिए, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं, वो थोड़ा सा लिखवाएंगे, अगर यहां से कोई चीजें आपको न समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, धन शब्द को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, हमने कहा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आर्ट के स्टूडेंट हैं ना, इसीलिए डर लगता है, कोई साइंस वालों को साइंस का पोर्शन पूछ देगा तो हम कहाँ बता पाएंगे। चलिए बताइए, ज्ञान जल्दी कुछ पूछना है कि हम पूछें? अच्छा हम पूछें, आप लोग बताएं। हाँ
अब एक टर्म आता है या कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज, तो कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। ये ग्रीन हाउस मामला क्या है? अच्छा, शीशा लगा के रख दें हम, किरण आएंगे जाएंगे नहीं शाम को? सर उसी हिसाब से बनाया जाता होगा ना। आप बताएं। पिंक कांचें आती हैं, होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं बट रिटर्न। अच्छा बताएं आप क्या वही? अरे इसे ना आप जवाब दिया करिए पूरा, एक लाइन वाला हिसाब किताब आपकी आपका वो क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। अभी आप सबको बड़े बड़े परीक्षाओं को बीट करना है, अभी तो ऐसी नहीं तब बिल्कुल आप शुरुआत, हमारे तरफ तो है नहीं मंद बुद्धि वाला क्या बालिका, आशा प्रखर और मेधावी और सामान्य वाले में आते हैं। ठीक ठीक, तो इसमें देखिए क्या होगा। देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट था जो हमारा जो हमको समझाना चाह रहे थे, मेरा समझाने का तात्पर्य यही था कि प्रश्न क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए जो ठंडे प्रदेश जैसे उन्होंने बताया वहाँ पे बर्फ ही जमा होता है, जमीनी बर्फ की होती है, तो जब वो कांच के घर बनाए जाते हैं तो सूर्य किरणें आती है वापस चली आती हैं, लेकिन अंदर जो पार्थिव विकिरण होता है वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक, जैसे भी स्वेटर पहन के वहाँ खड़े हो जाइए धूप में, स्वेटर पहन के धूप में, फिर आपको एहसास होगा अंदर आएगा बाहर जाने, आप कहेंगे ये कहाँ से लॉजिक लाते, फिर एक लॉजिक लाएंगे कि गर्मियों में किस कलर के कपड़े पहनकर बाहर निकलना बेहतर होता है ज्ञानचंद जी? सफेद कलर की काला कलर? हाँ क्यों वाइट? अब फिर आ गया मामला वाइट पे। देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं सब, मैं केवल आपको एकक में मिला के ये मैराथन क्लास करा रहा हूँ ताकि एक ही दिन में कई चीजें आप जान जाएं। हाँ ब्लैक एब्जॉर्ब करता है और वाइट क्या करता है? भैया आओ जाओ आओ, और तो वही काम जब शीशे घर बना देते हैं सूर्य किरणें आती हैं अंदर जाके टेम्परेचर बढ़ा देती हैं और वहाँ बर्फ पिघल जाता है, छोटे मोटे सब्जियाँ लगा देते हैं, तलाई के घास होता है ना, क्या क्या होता है वहाँ, वही सब होता है वहाँ, कोहरा लोगे थोड़ी ना होगा, झाड़ियाँ ही होती हैं और दो या तीन महीने के लिए होती हैं, उसके बाद फिर वहाँ पेड़ थोड़ी ना होगा, आम का नीम का निबुआ का ऐसा पेड़, निबू का ऐसा पेड़ नहीं होगा। ठीक, तो यह था किसका, ग्रीन हाउस। और अगर ग्रीन हाउस गैसें चार पाँच है वो कल हम आपको लिखवाएंगे क्योंकि सबके बारे में डिफाइन करना होगा, अभी ये भी था ठीक, CH4 भी था, लेकिन इसको भी कल भी देखेंगे क्योंकि कल इसको लिखेंगे तो भाई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पर्यावरण में, फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये जानिए अगर ग्रीन हाउस गैस में अगर ऑक्सीजन ऑप्शन दिया तो यही लगाइएगा, अगर चारों ग्रीन हाउस गैस दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा योगदान देती है, आप पारगम्यता भी है गैस है। ठीक, कोई क्रॉस क्वेश्चन ऐसे नहीं है ना, समझ में आ गया आप लोग को, आप लोग इसे शेयर कर दीजिए अगर आपको बेहतर लगा हो, तब नहीं लगा कोई बात नहीं देखिएगा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, तो बस कुछ कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, चलिए आप लोग भी अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना तो आपका मोस्ट वेलकम है, और लिंक में दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके आप उसे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट नोट्स और PDF फॉर्मेट और जो भी कभी कभी वीडियो अपलोड होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाती, आप लोग कहेंगे बेल आइकन दबाने के बाद भी, तो कभी कभी यूट्यूब की गलती की वजह से नहीं पहुँच पाता तो वीडियोज हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर, और तो आप सब इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा क्योंकि क्रम वाइज क्रम क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, कल इसको हम नोट्स की तरह लिखेंगे और भाई क्रम रूप से लिखेंगे, आज बस मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया किसका, गैसेज का, कैसे प्रश्न पूछेंगे कैसे आपको जवाब देने हैं।